इन मुश्किल हालातों में आप कवलजी संधू की ये रिपोर्ट देख रहे थे जो वो सीधे आपको समुद्री तट से दिखा रही थी, वहां कितने जबरदस्त हालात हैं इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए आने वाले 4 से 5 घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं। आपको ये बताते हैं कि तूफान आखिर टकराएगा कहां, लैंडफॉल का जो हिस्सा है वो कौन सा है। अगर आप यहां पर इस नक्शे पर भी ध्यान से देखें तो जो ये जगह है ये धामरा है और यहां ओडिशा के बालासोर में ये जगह है और यहां पर तूफान टकराएगा। हवाओं की रफ्तार 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। दोपहर 1 बजे से पहले यानी अगले 2 घंटे में ये समय होगा जब लैंडफॉल होगा। जगह धामरा बताई जा रही है ओडिशा की, और ओडिशा के अलावा जो दूसरा राज्य है वो पश्चिम बंगाल है जहां पर सबसे ज्यादा असर तूफान का रहने वाला है और सबसे ज्यादा प्रभावित भी ये राज्य रहेगा। दोपहर 1 बजे का ये समय, जिसे लेकर मौसम विभाग ने इससे पहले ही जानकारी दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ घंटे बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, लिहाजा उसके हिसाब से प्रशासन की तैयारियां भी। लेकिन आपको भारत के नक्शे पर हम दिखा रहे हैं कि ये चक्रवाती तूफान जो बंगाल की खाड़ी से उभरा है ये आगे किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा। तो नक्शे पर जो राज्य आप इस सफेद रंग से हाईलाइटेड यहां पर देख रहे हैं, यानी कि ओडिशा जहां सबसे ज्यादा असर है, जहां लैंडफॉल होना है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद दक्षिण में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां पर भी इनका असर जाएगा। करीब करीब ऐसी ही हालत आपने इससे पहले जब ताऊते तूफान आया था तो देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में वो तस्वीर देखी थी। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं। कवलजीत संधू की ये रिपोर्ट बालासोर से। जी, कोस्टल इलाके के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, खासतौर पे जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल बगल में सटा हुआ है, और इसके पास जो पश्चिम बंगाल है उसके जो कई डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें रेड अलर्ट घोषित किया गया है और लो लाइन इलाके हैं वहां पे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 11 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी दर्जन भर डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा में जहां पे रेड अलर्ट है, यहां तक भुवनेश्वर तक में भारी बारिश की शंका की जा रही है और उससे पहले तैयारी है। लेकिन अगर हम बात करें आसपास के इलाकों की, जो पेड़ है, टहनियां हैं वो टूट रही हैं, हम आपको एक बार दिखाएं पीछे की तरफ से, तो वहां पे जो छोटे छोटे पेड़ हैं, टहनियां हैं वो वहां पे टूट रही हैं, तो उसे भी हटाया जा रहा है। तो अपने आप में अगर हम पेड़ों का रुख करें, अगर आपको वहां पे दिखाएं पीछे किस तरह से जो पेड़ हैं वो हिल रहे हैं, तो अपने आप में आपको जो तीव्रता है वो पता चलेगी कि किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है और हवा बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ अगर समुद्र की लहरें हैं, आप देख सकते हैं कितनी ऊंची हैं, और अगर दूर कैमरा पर्सन कृपाल हमारे साथ है, बने हुए हैं लगातार, और आपको दूर से हम दिखाएं वो जो बिल्डिंग आपको सामने नजर आएगी, जब आप देखेंगे कि कितनी ऊंची जा रही है तो बिल्डिंग की हाइट से आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी ऊंची इसकी लहरें जा रही है। हाई टाइड से बोला जाता है, इसका जो इम्पैक्ट है वो नजर आएगा। इसमें एहतियात के तौर पे लोगों को अंदर होना चाहिए, इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, अनाउंसमेंट्स की गई हैं, उसके बावजूद लोग बाहर हैं। लेकिन जो असली फर्क है वो उन लोगों को पड़ेगा जो कि कच्चे घर में रहते हैं, जो टिन घरों में रहते हैं, क्योंकि उसके शेड है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। असली जो नुकसान है वो कोस्टल एरियाज में ही होगा और उस पर ही ध्यान दिया जा रहा है और वहीं पे इवैक्यूएशन सबसे पहले कराया गया। कवलजीत लगातार ओडिशा से।